आजकल इन दिनों वर्ल्ड कप चल रहा है और जिस तरीके से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है, हमें लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। तो क्रिकेट के माहौल का मजा और लेते हैं और बुलाते हैं इंडिया के तीन जाने माने क्रिकेटर्स को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड विकेट कीपर पार्थिव पटेल और इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए सितारे सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर। पार्थिव बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे सूर्य, कैसे दीपक? जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। आप सब तो जानते हैं लेकिन पार्थिव पटेल जो हैं ये विकेट कीपर बैट्समैन है और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और सूर्य जो हैं ये गजब के ऑलराउंडर हैं, और दीपक चहर कमाल के बॉलर हैं, और इनकी धुआंधार परफॉर्मेंसेज आप हाल ही में 2020 चैंपियनशिप में देख चुके हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसा लगता है इतने लोग चिल्लाते हैं आपके लिए जब? है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोगों की दाढ़ी मुझे नहीं आती, लेकिन पार्थिव आपके बारे में सुनना, आपको उम्र भी नहीं आती। कई सालों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही हैं। आपको बाबा रामदेव ने कोई अलग से च्यवनप्राश बना के दिया क्या है आप? नहीं सीरियसली, मतलब कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, अब मैं क्या करूँ उसमें। कई लोगों को बड़ा दिखना होता है जी, और कई लोगों को होता है कि जब उम्र हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा छोटा दिखे। पर इसीलिए काफी लोग ना जेलस भी हो जाते हैं। अच्छा। मुझे आके पूछते हैं कि क्यों, राज क्यों? क्या है? नहीं सीरियसली पार्थिव, आज भी शेव कर लेना, लोकल ट्रेन में फ्री सफर कर सकते हैं। और इसीलिए अब दाढ़ी भी रखने लगा हो, क्योंकि अभी कमेंट्री कर रहा हूँ तो लोग थोड़ा सीरियसली लेके, अभी दाढ़ी वाला बोल रहा है छोटा बच्चा नहीं बोल रहा। नहीं होता कई का बेबी फेस। अच्छा है, फायदा तो है इसका। बिल्कुल, कभी कभी लड़के बोलते सो क्यूट ऐसे बोल देती। नहीं करती थी, अब नहीं कर रही, अब शादी हो गई ना इसलिए ज्यादा। अच्छा। लोग नहीं कर रहे। पार्थिव आपने जो विकेट कीपिंग होती है जिसमें, इसमें भागना नहीं पड़ता, ज्यादातर बॉल तकरीबन अपने पास आ ही जाती, भागना भी पड़ता है, इसीलिए तो नहीं आपने चुना कि थोड़ा? नहीं, एक सोच वो भी थी, क्योंकि अगर खड़े रहोगे हर बार, वैसे छोटा था तो पीछे खड़ा कर देते तो बॉल आता नहीं था। अच्छा। तो विकेट कीपर को देखते थे तो ऐसा लगा कि यार इसके पास तो हर बॉल आता है, एटलीस्ट मैं जाता हूँ थोड़ा गेम में इन्वॉल्व रहूंगा। अच्छा। नहीं तो बोर हो जाता था खड़े खड़े, इसलिए विकेट कीपिंग करी। फिर पता चला कि यहाँ बॉल भी आती है और भागना भी पड़ रहा है, दोनों हो रहा है। अरे सूर्य ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना अर्चना जी को करके बोल रही थी मैं उनको दिखाना लाइव। उसमें एक्चुअली दो तीन लोग होते हैं, तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलता है, तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं, अरे इतना जोर से काहे को चिल्लाते हैं। तो अक्षय कुमार बोलते हैं स्टाइल है बाबू भैया, स्टाइल। तो ये जोर से झापड़ लगे, ए बाबूराव का स्टाइल है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने दो तीन लोग को लेके, तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है, मैचेस का भी फंसा हुआ रहता है, तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए। तो आपने तो पूरी दुनिया के, मतलब दुनिया के सारे टीम्स के प्लेयर्स को मिले हैं, उनके साथ खेले भी हुए हैं, आपको कौन कौन सी टीम ज्यादा फनी है? आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे कैरेक्टर है। वेस्ट इंडीज वाले? यार वेस्ट इंडीज मैं तो उसका फैन हो गया हूँ अपने, क्रिस गेल का। मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की, बोलता है लुक एट माई हाउस। उसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे, और सब सहेलियां उसकी आई हुई, बीवी भी उसकी वहीं पे। इस बात से इंप्रेस हो गया, मैं मानता हूं। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कौन है? मतलब माय फ्रेंड, मेरी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मैं कहा तुम्हारी बीवी भी साथ में है? बोलता है यस फाइन। मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हाँ मैंने कहा हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए हैं बस। ब्रावो हमारी टीम है। ब्रावो भी शरारती है? उसकी तीन गर्लफ्रेंड है, तीनों से बच्चे हैं उनके, पर शादी किसी से नहीं हुई है। अच्छा, हाँ ये कल्चर है वहाँ पे, मतलब ये है सही में ब्रावो नाम, ठीक है उसका। ब्रावो है। और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है, आईपीएल में आता है। अच्छा। तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं, मैं तो शायद अभी दो साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ, में से रहना भी है, बाकी प्लेयर्स हैं जो माई भाई, तो वो जज करते अपने लोग। है बेचारा रहना बड़ा क्यूट है, भूला मेरा दोस्त है। एक बार मैं और सुरेश रहना दोनों हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे, तो हमें वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने फैसिलिटेट करना था, तो राष्ट्रपति जी भी आए नहीं थे। हैं? फेलिसिटेट हुआ तो मैं ही ना, आप तो नहीं। मैंने क्या बोला? तूने फैसिलिटेट बोला। स्कूल का फर्क है, स्टाफ का होता है कभी कभी। तो
अच्छा हम लोग बैठे हुए तो अभी राष्ट्रपति जी आए नहीं थे, मैं बैठा हुआ था, सुरेश राणा मेरे बगल में, मैंने कहा पाजी वो तो राष्ट्रपति की जो होती है कुर्सी होती जो, वो दो बड़े बड़े लोग ना भाले लेके खड़े इतने बड़े, तो मैंने कहा रैना पाजी ये अगर कोई गलती से जाके किसी को चक्कर आ जाए और वो राष्ट्रपति की कुर्सी बैठ जाए तो फिर क्या होगा? कहता पाजी ये जो भाले देख रहे हो ना आप, मैं कहा हाँ, कहता ये ऐसी जगह पे पड़ेंगे ना। अरे दीपक आपकी टीम के कैप्टन धोनी है, सॉरी दुनिया जानती है उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे ये। लेकिन इस बार जब प्रीमियर लीग में टीम आपकी हारी फाइनल में, तो सच से बताना होटल में जाके कूल ही था धोनी के? नहीं नहीं वो गुस्सा करते, गुस्सा करते कैसे क्या बोलते हैं? वो बहुत शांत गुस्सा करेंगे, ऐसा दिखेगा नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप। अच्छा। और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं। अच्छा। मतलब आप ग्राउंड में हो वो आपको डांटेंगे भी, पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल। और सबसे ज्यादा तो मेरे पे किया पिछले 2 साल में। अच्छा। जो मेरे को डांट पड़ी है ना मुझे वाले हुए। क्योंकि सबसे छोटा हूँ मैं टीम के अंदर, बाकी सब 30 से ऊपर वाले हैं, तो किसी का भी गुस्सा होता है वो मेरे में निकलता है। प्यार भी सबसे ज्यादा छोटे को मिलता है। मैंने पूछा एक मैच में, मैं फील्डिंग कर रहा था उनके पास में, तो कुछ बात उन्होंने डांट दिया मेरे को, तो मैं समझ गया भाई किसी और पे गुस्सा है, तो मैं चुपचाप फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं, ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, मैंने कहा माई भाई एक बात बताओ ना क्या, कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे क्यों निकालते हो? बोलते प्यार भी तो करता तेरे को। फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है, मैंने कहा चलो ठीक है। सूर्य आप काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन हो, चौके छक्के अच्छे दबा के पेलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो आपकी वाइफ कहें कि बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, चलो चौके छक्के ठीक है, लेकिन चौका मारने के बाद ये चीयर लीडर की तरफ क्यों देख रहे थे? ऐसे हुआ कभी? घर तो बहुत दूर का बोल रहे हो कपिल भाजी, बट मैंने तो ऐसा होटल में ही बहुत बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि वानखेड़े पे हम खेलते ज्यादा जी, तो जब भी बाउंड्री या सिक्स मारते हैं तो जो स्क्रीन है वो लेफ्ट में और राइट में, राइट। तो मारने के बाद हम यही देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं। हाँ। और वाइफ लोग का जो स्टैंड होता है वो सामने होता है एकदम। अच्छा। तो मारो यहाँ पे और यहाँ देखो और वहाँ देखो, तो होटल पहुंचने के बाद ऐसा होता है कि वो जो बाउंड्री मारी सिक्स वो वाली ज्यादा अच्छी थी, तो वहाँ देख रहे थे, मैं तो सामने बैठे हूँ। अच्छा दीपक आप वैसे आगरा से हो ना जी, खेलते आप चेन्नई की तरफ से हो, तो जब कभी ऐसे स्लेजिंग होती है गुस्सा गुस्सा आता है तो गाली अपनी भाषा में निकलती है कि जिस टीम की तरफ से खेल रहे होते हो, नाड़े लगकर तो आजकल जमाना चला गया गाली वाली देने का। अच्छा। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत गाली देते लोग। अच्छा। कैमरे होते नहीं है और सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो बहुत गाली देते हैं जूनियर्स को, वो मेंटली प्रेशर बनाते हैं प्लेयर्स पे, जूनियर प्लेयर्स पे। अच्छा। बट मैं जब छोटा था तो मैं एक काम करता था, जैसे ग्राउंड में घुसता था बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि 2-3 ये सीनियर प्लेयर ये गाली देते हैं। अच्छा। तो जाके उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर दो सबसे पहले। अच्छा। मैं ये काम करता था, तो ये लड़का ठीक है इसको कुछ नहीं बोलेंगे, मैं वहाँ खड़ा हूँ नॉन स्ट्राइक में, सामने वाले आपको गालियाँ पड़ रही है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। स्ट्रेटजी ठीक है बंदा यार। पार्थिव आपका तो कोई जूनियर होगा ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फेस ये हमेशा ही जूनियर लगते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ स्लेजिंग होती कभी? बहुत बार, हर बार होती है स्लेजिंग। आपका मुंह बड़ा प्यारा सा है, आपने कभी किसी को गाली दी? मैंने दी है, मेरा 4th-5th टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव वॉ का आखिरी टेस्ट मैच था, तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई किया बोलने का, पीछे से बोल रहा था तो उन्होंने डिफेंस किया, फिर वापस मुड़े और बोला कि यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू आर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। तो स्टीव वॉ ने डेब्यू किया था 85 में, 85 मेरा मोन ईयर था। अच्छा। तो अभी इस बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो स्टीव वॉ का बेटा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक्स्ट्रा फील्डर्स होते हैं उसमें से एक था। अच्छा। तो जब हम खत्म हुआ मैच, टेस्ट सीरीज जब जीते जब जा रहे थे, तो मैंने स्टीव वॉ के बेटे को बोल दिया कि यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू एंड योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।